सौरभ चंद्राकर, ये नाम आपने हाल फिलहाल में न्यूज पे कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ये वही है जिसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए लगाए थे। हालांकि 200 करोड़ रुपए ये एक दिन में कमा लेता है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी आए, कुछ को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था और कुछ को एज अ फ्रेंड। और इसी शादी में गए थे रणबीर कपूर, और इस शादी में जाने के लिए रणबीर कपूर से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये आता है कि एक शादी में जाने के लिए इन लोगों से सवाल क्यों? बात ऐसी है, ये सौरभ चंद्राकर एक बिजनेस करता है जो भारत में इलीगल है, और इसकी कंपनी का टर्नओवर 5 से 20 हजार करोड़ बताया जाता है। ये चलाता है गैम्बलिंग ऐप जिसके बलबूते आज ये लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि सौरभ चंद्राकर का ये बिजनेस रन कैसे होता है, ये इंडिया के लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, और भारत सरकार इस गेम में लगने वाले पैसे पे कितना टैक्स लेती है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जूस की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी आखिर इतना बड़ा बना कैसे। ये है सौरभ चंद्राकर, जो सिर्फ 28 साल का है, और इसकी छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी जूस की दुकान थी जिसका नाम था महादेव जूस सेंटर। फिर इसने सट्टा खेलना शुरू करा और 15 लाख तक का लॉस भी झेला। ऐसे टॉप मीडिया न्यूज चैनल तो इसकी जूस की एक छोटी सी दुकान बता रहे हैं, लेकिन अगर ये 15 लाख रुपए जुए में हारा है तो या तो जूस के काम में कुछ ज्यादा ही पैसा है या फिर ये कुछ और ही काम करता था। हैरिस का एक और जानने वाला था जो खुद 10 लाख का लॉस झेल चुका था। इन दोनों ने मिलकर बनाई महादेव बैटिंग ऐप। वैसे ये लोग अकेले नहीं है, इनके जैसे 10 से 15 और भी हैं, और ये सारे ही लोग छत्तीसगढ़ के बिलाही से हैं। ये ऐप एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है, मतलब अगर किसी को ये बिजनेस ज्यादा नहीं आता तो ये उनकी तरफ से सारा काम कर देते हैं, जैसे न्यू यूजर ढूंढ के लाना, उनके लिए उसमें आईडी बनवाना, पैसे की लेन देन करना। साथ में इसने भी ऐसे बहुत ऐप्स निकाले हुए हैं जिनके ऐप्स आपने बहुत बार देखे होंगे, जैसे कि एंटरटेनमेंट भी और पैसा भी, जिसकी तरफ काफी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन सब का खुलासा आखिर एकदम से हुआ कैसे? सौरभ चंद्राकर ने फरवरी में एक शादी करी जिसमें उसने 200 करोड़ रुपए लगाए, और उस शादी के बाद ये पता चला कि इसने अपनी वेडिंग के लिए जो वेडिंग प्लानर हायर करा था वो मुंबई का था, और उसको 112 करोड़ रुपए इन कैश दिए गए थे ताकि वो वेडिंग की पूरी प्लानिंग कर सके। असली सिस्टम तो भाई इसका था, और फिर इस वेडिंग प्लानर ने इन सब बॉलीवुड एक्टर्स को वहां परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए। उसके बाद ईडी ने इन सब चीजों का पता लगाया और रणबीर कपूर को बुलाकर पूछताछ करी। और इस शादी में जो 15 से 20 बॉलीवुड स्टार गए थे तो शायद उनसे भी पूछताछ आगे हो सकती है। और इन सब लोगों से जो पूछताछ करने का कारण है वो ये है कि ये सारा पैसा इलीगल है और इसे हवाले के थ्रू इंडिया में लाया गया था। हवाला को आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया में कोई एक एजेंट है और दुबई में एक एजेंट है, दुबई वाले को इंडिया में पैसा चाहिए ताकि वो अपना इलीगल काम करवा सके, तो इंडिया वाला उसकी तरफ से इंडिया में पेमेंट कर देगा, और जब इंडिया वाले एजेंट को दुबई में पैसा देना होगा तो दुबई वाला उसकी तरफ से दे देगा। मतलब इनका काम उधारी पे चलता रहता है, इससे ना तो ब्लैक मनी को इधर से उधर करना पड़ेगा और इनका काम भी हो जाता है। ये सारा काम दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था क्योंकि दुबई और बाकी सारे देशों में ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल है। ये लोग क्या करते हैं ना कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं उन्हें थोड़ा पैसा दे देते हैं और उनकी यूपीआई आईडी वगैरह ले लेते हैं, फिर कुछ बैंक्स के ऑफिसर्स की मदद से उन आईडीज का यूज करके बैंक में पैसा इधर से उधर कर देते हैं, और बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स में ये सारी बातें आने नहीं देते। हालांकि वो बैंक कौन सा है ये भी नहीं पता, और इसके अलावा और भी काफी तरीके होंगे जो अभी तक हमें नहीं पता। इतना कुछ आपने जान लिया, इसका पॉइंट क्या है, इसकी गलती क्या है? वो तो सिर्फ परफॉर्म करने गए थे और उन्हें एक अमाउंट मिला और परफॉर्म करके आ गए, बस बात खत्म। बट नहीं, उन्होंने परफॉर्म तो करा और अपने पैसे भी लिए, तो सारा पैसा था तो ब्लैक मनी का ही, उन लोगों ने वो सारा पैसा लिया तो कैश में ही है, जिसको ना तो ये बैंक स्टेटमेंट में दिखाएंगे और ना ही उस पे टैक्स पे करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। वैसे ये ऐप चल तो काफी टाइम से रहा है, लगभग 4 से 5 सालों से, मतलब कोविड के टाइम में ही शुरू हुआ है। लेकिन वही है ना, गवर्नमेंट के लोग इसमें मिल गए होंगे जिससे अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ था। वैसे ऐसे काफी आरोप भी हैं कि बड़े बड़े नेता, पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें मिले हुए थे, जिनको काफी मोटा पैसा खिलाया गया, जिसकी वजह से ये ऐप इतना बड़ा बन गया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको कुछ स्टेप्स लेने शुरू करे हैं, जैसे सौरभ चंद्राकर की अभी तक की 417 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी महादेव गैम्बलिंग ऐप के बारे में जांच होनी शुरू हुई है, पिछले 8 से 10 महीनों से इस ऐप के छोटे छोटे लोग पकड़ने शुरू कर दिए गए थे। 2-2.5 साल पहले तो शायद एक आदमी ने बिल्डिंग से छलांग भी मार ली थी, क्योंकि वो इस ऐप में 17 से 18 लाख हार गया था और उसके बाद वो बच भी नहीं पाया। तब से ही इस गैम्बलिंग वेबसाइट से जुड़े हुए लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये एक इलीगल ऐप है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस पे कोई टैक्स भी नहीं लेती, लेकिन हाँ, इससे इंडिया की इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ता है। ऐसे आपको क्या लगता है, सेलिब्रिटीज ने वहाँ परफॉर्म करके कुछ गलती करी या नहीं, या फिर मीडिया फालतू में ही इन सब सेलिब्रिटीज को बदनाम कर रही है और व्यूज ले रही है? कमेंट में जरूर बताना।
पर हाँ, अगर आप इन गैम्बलिंग ऐप्स में पैसे लगाते हो या फिर ऑनलाइन लीगल गेम्स भी खेलते हो जिसमें पैसे लगते हैं, तो वो खेलना छोड़ दो, क्योंकि इसमें पैसा वेस्ट ही होता है। कुछ लाखों में से कोई एक जीत जाएगा और ये ऐप्स उसका नाम दिखाकर आपको अट्रैक्ट करती रहेगी। ओवरऑल ये ऐप आपको नुकसान ही करवाता है, फायदा नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और मुझे सब्सक्राइब भी कर लो। हम फिर मिलेंगे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।